कोयले की कमी को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्वीकारा, कहा कल से 2 मिलियन तक की होगी आपूर्ति। एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत याचिका का किया विरोध, सुनवाई जारी। गोवा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा देश की सीमाओं पर हमला नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। महाराष्ट्र 9 करोड़ लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज, देश में सबसे ज्यादा। एक बार फिर बड़े कोरोना के नए मामले, 24 घंटे में 18,987 केस मिले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेत अगर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। आज दुर्गा महानवमी है, आज के दिन महासिद्धिदात्री की पूजा होती है। कन्याओं की मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए विशेषकर नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजक पूजन का विधान है। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की पूजा आराधना की। आज माता रानी के स्वरूप को कन्याओं ने मानकर उनका पूजन किया गया। मां दुर्गा के स्वरूप की पूजा अर्चना सभी प्रकार से लाभकारी और मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। पूरे देश में आज मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। प्रदेश के सीएम योगी ने भी गोरखनाथ मंदिर में न्यू हॉल में महानवमी पर्व पर विशेष पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने 9 कन्याओं के पांव पखारे और चंदन रोली का टीका लगाया। आज नवरात्र का नवम दिवस है, नवमम सिद्धिदात्री च। पुराणों में आया है कि सिद्ध गंधर्व ख्याध्येय सुरैर अमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। यह अष्ट सिद्धि 9 निधि को देने वाली माता है, उन्हीं सिद्धिदात्री जो सिद्धि को तक्षण प्रदान करती हों वही सिद्धिदात्री हैं, इसलिए इन्हें सिद्धिदात्री के नाम से भक्त इनका पूजन करते हैं। आज ईशान कोण में जहां लोग कलश की स्थापना किए हैं वहां पर भगवती का दिव्यवत पूजन करें और संपूर्ण व्यंजन 56 भोग, पूरी, हलवा, सब्जी, रायता, पापड़, अचार, चटनी सब जो है बिना लहसुन और प्याज का भोग सजाकर माता के चरणों में निवेदित करें। ओम ह्रीं सह सिद्धिदात्रे नमः, इस मंत्र का यदि 27 माला भक्त जप करते हैं तो उनकी समस्त मनोकामना भगवती पूर्ण कर देती हैं। और आज 9:53 तक नवमी है, इसके बाद 10वीं लग जा रही है। पारण के विषय में आया है कि ब्राह्मणान भोजयेत पश्चात पारणम 10वें दिने। यह 5वें स्कंध अध्याय 34 मंत्र नंबर 29 में आप देवी भागवत में देखेंगे तो इसका प्रमाण है कि ब्राह्मणान भोजयेत पश्चात पारणम 10वें दिने। तो 10वीं में पारण करना चाहिए अर्थात शुक्रवार को 10वीं में सुबह में पारण करें और माता के कृपा पात्र बने। जय माँ विंध्यवासिनी। नवरात्र के आज आखिरी दिन यहाँ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है, ऐसी मान्यता है कि देवी माँ नौ रूपों में लगातार 9 दिन अपने भक्तों का कल्याण करती है। और ये मंदिर जिस शहर में स्थित है, इस मंदिर लगभग 150 से 200 वर्ष पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर में ऐसी आस्था है कि लगातार वो 9 दिन तक देवी माँ का दर्शन करते हैं, देवी माँ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है, क्या परिचय है आपका। हमारा नाम है संतोष कुमार तिवारी, हनुमान जी के पुजारी, मनसा देवी मंदिर। ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर कम से कम 150 से 200 वर्षों से पुराना है। 4 पीढ़ी हमारी यहाँ पे हैं। आज नवरात्र का आखिरी दिन है, आज माता का आखिरी दिन है। देवी माता क्या मतलब यहाँ पे? ये सिद्धिदात्री माता मतलब मनसा माता मन की इच्छा को पूर्ण करने वाली, सबकी बाधाओं का निवारण करने वाली, मनसा वाचा का मतलब माता मनसा देवी जो है सबकी मन की इच्छा को पूर्ण करती है, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, सब बाधाओं से निवारण करती है, सुख शांति समृद्धि प्रदान करती है। जो अपने मन की इच्छा लेके आता है माता मनोकामना हमेशा से पूर्ण करती आई है। हमारे साथ एक भक्त और हैं, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या भगवान के साथ रहते हैं? नहीं, तो हमसे आगे लोग मेरे घर बोला था, हम कल ले लो।
सबको सबको सुख संपत्ति और समृद्धि प्रदान करें माता। इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग यहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं और देवी माँ के दर्शन करके अपनी मनोकामना को पूरा करते हैं। कहना है रवि दुबे के साथ और मैं सबसे पैर को जय भी। आज अयोध्या की रामलीला में अंगद का रोल कर रहे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इशारों में रावण बताया है। उन्होंने केजरीवाल सरकार को धूर्त बताया है। छठ पूजा में कोरोना गाइडलाइन के लिए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखने पर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हम आस्था की बात कर रहे हैं और वो राजनीति की बात कर रहे हैं। जो छठ कराने का एक बजट होता है लगभग 100 करोड़ रुपए का, वो बजट वो पंजाब में उत्तराखंड में खर्च कर चुके हैं, खर्च कर रहे हैं, और वो नहीं अभी करेंगे तो कहाँ से खर्च देंगे। तो ये इशू यहाँ फंसा हुआ है कि उन्होंने वो फंड कहीं और खर्च किया है और अब वो चाहते हैं कि छठ ना हो। आज एक अच्छी बात आई है कि उनके कुछ मंत्रियों ने कहा है कि नहीं नहीं हम तो चाहते हैं छठ हो। तो हम कहे अरे भाई हमारी मत सुनो अरविंद केजरीवाल जी, अपने मंत्रियों की तो सुन लो। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अलीगढ़ के टप्पल में निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारतीय किसान यूनियन की मुख्य कार्यकारिणी के सदस्य से बात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर राकेश टिकैत मुखर है। उन्होंने सीधे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अजय टेनी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक मंत्री पद पर अजय टेनी बने रहेंगे तब तक जांच को प्रभावित करेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केवल रेड कारपेट के जरिए गिरफ्तारी है और गुलदस्ते के साथ में पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। 18 अक्टूबर को देश भर में 6 घंटे ट्रेन रोकने का अभियान होगा। वहीं 26 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पुंछ इलाके में आतंकी हमले में शहीद हुए सारथ सिंह का पार्थिव शरीर शाहजहांपुर पहुंचा। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद की अंतिम विदाई में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शामिल हुए। भारतीय झंडा सहित के अनुसार शहीद को राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान मिलिट्री बैंड की ओर से शोक संगीत बजाया गया और इसके बाद बंदूकों की सलामी भी दी गई। अंतिम संस्कार में एक ओर हजारों लोग शामिल हुए तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ ने शहीद के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी है। हमारे लिए गौरव और अफसोस दोनों है क्योंकि इसने अपने खानदान का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया और अपनी रिश्तेदारियों में भी ये परिवार हमेशा पूजा जाएगा। और साथ ही अफसोस इस बात का है कि भरी जवानी में उसको मौत को गले लगाना पड़ा, ये हमारे लिए दुख की बात भी है। इसलिए हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उसके लिए है और उनके समर्थक उनके अनुयायी। इटावा के ग्राम मोदी में बने पेट्रोल पंप पर कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पेट्रोल पंप पर ड्रामों और बोतलों से लोगों को पेट्रोल डीजल भर कर दिया जा रहा है और इस तरीके से पेट्रोल डीजल को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इस बेखौफ कर्मचारियों को प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि दूरदराज से आने वाले लोगों को यहां पर उच्च दामों पर तेल बेचा जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय स्थित महालक्ष्मी लॉन में भव्य एवं धूमधाम के साथ सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के 233 विभिन्न समुदाय के जोड़ों ने हिस्सा लेकर शादी रचाई गई। कार्यक्रम के दौरान वर वधुओं व उनके परिजनों ने काफी खुशी देखी गई। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित किए गए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल सभी जोड़ों को 51,000 की सहायता राशि भी प्रदान की गई। अलीगढ़ में पुलिस कस्टडी में हुई श्यामू की हत्या के मामले को साल हो गए हैं और इस हत्या के मामले में परिवार के लोग काफी समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
10 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक आरोपी पुलिसकर्मियों को न्याय नहीं मिल पाया है और परिवार का कहना है कि बड़े अधिकारियों का दबाव में दोषियों को सजा नहीं मिल रही है। पीड़ित भाई खेत बेचकर पिछले 10 सालों से केस लड़ रहे हैं। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि वो इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता और आरोपियों को सजा नहीं पहुंचा देते। फिर भी ये सरेंडर नहीं हुए, उसके बाद में ये किसी प्रकार हाईकोर्ट से पुनः दोबारा स्टे ले आए। जब इन्होंने मुझ पर फैसले का दबाव बनाया, जब इसमें पैरवी मत करो हाईकोर्ट में, जब मैंने इनकार कर दिया तो इन्होंने एक चर्चित बंजारा हत्याकांड था उसमें मेरे खिलाफ ना कोई FIR थी, इन्होंने मुलजिम के बयानों के आधार पर मुझे फर्जी केस में फंसाकर जेल में डाल दिया। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी, उसके बाद में SSP पीयूष मोडिया के आदेश से कोर्ट से चार्जशीट वापिस होकर। मिर्जापुर में हर साल की तरह राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधान डाकघर मिर्जापुर में बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। फिलेटली दिवस के अवसर पर चुनार बलुआ पत्थर पर विशेष आवरण और विरूपण का विमोचन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कई लोग शामिल हुए और प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आज फिलेटली डे के अवसर पर जो डाक सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें आज फिलेटली डे है। फिलेटली डे के अवसर पर क्विज कॉन्टेस्ट हुआ है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ है, बच्चों को पत्र लिखन के लिए उत्साहित करते हुए उन्हें पोस्ट कार्ड के परिजनों को पत्र भी लिखाया गया है, जिसमें लगभग 35 से 40 बच्चों ने भाग लिया। सहारनपुर पुलिस ने 2 दिन पहले घर में घुसकर की गई लूट का खुलासा कर दिया। थाना सदर बाजार और सर्विस लांस पुलिस ने लूट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। लूट करने वाले अभियुक्त के पास से सोने चांदी के आभूषण भी बरामद हुए हैं। ग्यारह तारीख को थाना सदर बाजार के अंतर्गत चंदन नगर कॉलोनी में एक महिला के साथ एक अपराधी ने चाकू के नोक पर लूट किया था। इसको तत्काल सदर बाजार टीम ने लग के इस घटना का अनावरण किया गया है। इसमें जो बदमाश जो अपराधी है उसका गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से लूटे हुए एक चैन माय लॉकेट और 4 जो चूड़ियां हैं, 1 अंगूठी है और जो चाकू के बल पर जो किया था वो बरामद हुए हैं और इसका आपराधिक इतिहास भी है और इनको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और आपराधिक इतिहास के आधार पर इनका हिस्ट्री शीट भी खोला जाएगा और आगे किसी अन्य कार्रवाई भी इसमें सख्ती से की जाएगी। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।